ओम शांति। 9/9/2020 की साकार मुरली। मीठे बच्चे, हर बात में योग बल से काम लो। बाप से कुछ भी पूछने की बात नहीं है। तुम ईश्वरीय संतान हो, इसलिए कोई भी आसुरी काम ना करो। प्रश्न, तुम्हारे इस योग बल की करामत क्या है? उत्तर, यही योग बल है जिससे तुम्हारी सब कर्मेंद्रियां वश हो जाती हैं। योग बल के सिवाय तुम पावन बन नहीं सकते। योग बल से ही सारी सृष्टि पावन बनती है। इसलिए पावन बनने के लिए व भोजन को शुद्ध बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो, युक्ति से चलो, नम्रता से व्यवहार करो। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं, दुनिया में किसको मालूम नहीं है कि रूहानी बाप आकर स्वर्ग की व नई दुनिया की स्थापना कैसे करते हैं? कोई भी नहीं जानते। तुम बाप से कोई भी प्रकार की मांगनी नहीं कर सकते हो। बाप सब कुछ समझाते हैं, कुछ भी पूछने की दरकार नहीं रहती। सब कुछ आपे ही समझाते रहते हैं। बाप कहते हैं, मुझे कल्प कल्प इस भारत खंड में आकर क्या करना है सो मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते। रोज रोज समझाते रहते हैं। कोई भल एक अक्षर भी ना पूछे तो भी सब कुछ समझाते रहते हैं। कभी पूछते हैं खान पान की तकलीफ होती है, अब तो यह तो समझ की बात है। बाबा ने कह दिया है, हर बात में योग बल से काम लो, याद की यात्रा से काम लो, और कहाँ भी जाओ तो मुख्य बात बाप को जरूर याद करना है और कोई भी आसुरी काम नहीं करना है। हम ईश्वरीय संतान हैं, वह है सबका बाप, सबके लिए शिक्षा यह एक ही देंगे। बाप शिक्षा देते हैं बच्चे स्वर्ग का मालिक बनना है। राजाई में भी पोजीशन तो होती है ना, हर एक के पुरुषार्थ अनुसार मर्तबा होता है। पुरुषार्थ बच्चों को करना है और प्रारब्ध भी बच्चों को पानी है। पुरुषार्थ कराने के लिए बाप आते हैं। तुमको कुछ भी पता नहीं था कि बाप कब आएंगे, क्या आकर करेंगे, कहाँ ले जाएंगे। बाप ही आकर समझाते हैं ड्रामा के प्लान अनुसार, तुम कहाँ से गिरे हो, एकदम ऊंच चोटी से। जरा भी बुद्धि में नहीं आता कि हम कौन हैं। अब महसूस करते हो ना, तुमको स्वप्न में भी नहीं था कि बाप आकर क्या करेंगे। तुम भी कुछ नहीं जानते थे। अब बाप मिला हुआ है तो समझते हो ऐसे बाप के ऊपर तो न्यौछावर होना पड़े। जैसे पतिव्रता स्त्री होती है तो पति पर कितना न्यौछावर जाती है, चिता पर चढ़ने में भी डर नहीं होता है, कितनी बहादुर होती है। आगे चिता पर बहुत चढ़ती थी, यहाँ बाबा तो ऐसी कोई तकलीफ नहीं देते। भल नाम ज्ञान चिता है, परंतु जलने करने की कोई बात नहीं। बाप बिल्कुल ऐसे समझाते हैं जैसे मक्खन से बाल। बच्चे समझते हैं बरोबर जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है, कोई एक अजामिल नहीं, हर एक मनुष्य एक दो से जास्ती अजामिल है। मनुष्यों को क्या पता पास्ट जन्म में क्या क्या किया है। अभी तुम समझते हो पाप ही किए हैं, वास्तव में पुण्य आत्मा एक भी नहीं है, सब हैं पाप आत्माएं। पुण्य करें तो पुण्य आत्माएं बन जाएं। पुण्य आत्माएं होती हैं सत्युग में। कोई ने हॉस्पिटल आदि बनाई सो क्या हुआ, सीढ़ी उतरने से थोड़े ही बच जाएगा। चढ़ती कला तो नहीं होती ना, गिरते ही जाते हैं। यह बाप तो ऐसा बिलविड है जिस पर कहते हैं जीते जी न्यौछावर जाएं, क्योंकि पतियों का पति बापों का बाप सबसे ऊंच है। बच्चों को अभी बाप जगा रहे हैं, ऐसा बाबा जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, कितना साधारण है। शुरू में बच्चियां जब बीमार पड़ती थी तो बाबा खुद उन्हों की सेवा करते थे, अहंकार कुछ भी नहीं। बाप दादा ऊंचते ऊंच हैं, कहते जैसे कर्म मैं इनसे कराऊंगा या करूंगा, दोनों जैसे एक हो जाते। पता थोड़े ही पड़ता है बाप क्या करते हैं, दादा क्या करते हैं। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप ही बैठकर समझाते हैं। बाप बहुत ऊंच है, माया का भी कितना प्रभाव है। ईश्वर बाप कहते हैं ऐसा मत करो तो भी नहीं मानते हैं। भगवान कहते मीठे बच्चे यह काम नहीं करना है, फिर भी उल्टा काम कर देते हैं। उल्टे काम के लिए ही मना करेंगे ना, लेकिन माया भी बड़ी जबरदस्त है। भूले चूके भी बाप को नहीं भूलना है, कुछ भी करें
मारे अथवा कूटे, ऐसा कुछ बाप करते नहीं है, परंतु यह एक्सट्रीम में कहा जाता है। गीत भी है, तुम्हारे दर को कभी नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो। बाहर में रखा ही क्या है, बुद्धि भी कहती है जाएंगे कहाँ। बाप बादशाही देते हैं, फिर थोड़े ही कभी मिलती है, ऐसे थोड़े ही है दूसरे जन्म में कुछ मिल सकता है। नहीं, यह पारलौकिक बाप है जो बेहद सुखधाम का तुमको मालिक बनाते हैं। बच्चों को दैवी गुण भी धारण करने हैं, सो भी बाप राय देते हैं अपना पुलिस आदि का काम भी करो, नहीं तो डिसमिस कर देंगे। अपना काम तो करना ही है, आंख दिखानी पड़ती है। जितना हो सके प्रेम से काम लो, नहीं तो युक्ति से आंख दिखाओ, हाथ नहीं चलाना है। बाबा के कितने ढेर बच्चे हैं, बाबा को भी बच्चों का ख्याल रहता है। मूल बात है पवित्र रहना। जन्म जन्मांतर तुमने पुकारा है ना, हे पतित पावन आकर हमको पावन बनाओ, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। बुलाते हैं तो जरूर पतित है, नहीं तो बुलाने की दरकार नहीं, पूजा की भी दरकार नहीं। बाप समझाते हैं तुम अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, सहन करना ही है। युक्तियां भी बतलाते रहते हैं, बहुत नम्रता से चलो, बोलो आप तो भगवान हो, फिर यह क्या मांगते हो। हथियाला बांधते समय कहते हैं मैं तुम्हारा पति, ईश्वर, गुरु, सब कुछ हूँ, अब मैं पवित्र रहना चाहती हूँ, तो तुम रोकते क्यों हो। भगवान को तो पतित पावन कहा जाता है ना, आप ही पावन बनाने वाले बन जाओ। ऐसे प्यार से नम्रता से बात करनी चाहिए, क्रोध करें तो फूलों की वर्षा करो, मारते हैं फिर अफसोस भी करते हैं। जैसे शराब पीते हैं तो बड़ा नशा चढ़ जाता है, अपने को बादशाह समझते हैं। तो यह विष भी ऐसी चीज है, बात मत पूछो। पछताते भी हैं परंतु आदत पड़ी है तो वह टूटती नहीं, एक दो बार विकार में गया बस नशा चढ़ा, फिर गिरते रहेंगे। जैसे नशे की चीजें खुशी में लाती हैं, विकार भी ऐसे हैं। यहाँ फिर बड़ी मेहनत है, सिवाय योग बल के कोई भी कर्मेंद्रियों को वश नहीं कर सकते, योग बल की ही करामात है, तब तो नाम मशहूर है। बाहर से आते हैं यहाँ योग सीखने, शांति में बैठे रहेंगे, घर बार से दूर हो जाते हैं, वह तो है आधा कल्प के लिए आर्टिफिशियल शांति, किसको सच्ची शांति का मालूम ही नहीं। बाप कहते बच्चे तुम्हारा स्वधर्म ही है शांत, इस शरीर से तुम कर्म करते हो, जब तक शरीर धारण ना करे तब तक आत्मा शांत रहती है, फिर कहाँ ना कहाँ जाकर प्रवेश करती है। यहाँ तो फिर कोई कोई सूक्ष्म शरीर से धक्के खाती रहती है, वह छाया के शरीर होते हैं, कोई दुख देने वाले होते हैं, कोई अच्छे होते हैं। यहाँ भी कोई भले मनुष्य होते हैं जो किसको दुख नहीं देते, कोई तो बहुत दुख देते हैं, कोई जैसे साधु महात्मा होते हैं। बाप समझाते हैं मीठे मीठे सिखल दे बच्चों, तुम 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर मिले हो, क्या लेने के लिए। बाप ने बताया है तुमको क्या मिलने का है। बाबा आपसे क्या मिलना है, यह तो प्रश्न ही नहीं, आप तो हो ही हेवनली गॉड फादर, नई दुनिया के रचयिता, तो जरूर आपसे बादशाही ही मिलेगी। बाप कहते हैं थोड़ा भी कुछ समझ कर जाते हो तो स्वर्ग में जरूर आ जाएंगे, हम स्वर्ग की स्थापना करने आए हैं, बड़े से बड़ा आसामी हैं भगवान और प्रजापिता ब्रह्मा, तुम जानते हो विष्णु कौन है, और कोई को भी पता नहीं है। तुम तो कहेंगे हम इनके घराने के हैं, यह लक्ष्मी नारायण तो सत्युग में राज्य करते हैं, यह चक्र आदि वास्तव में विष्णु को थोड़े ही है, यह अलंकार हम ब्राह्मणों के हैं, अभी यह नॉलेज है सत्युग में थोड़े ही यह समझाएंगे, ऐसी बातें बताने की कोई में ताकत नहीं। तुम इस 84 के चक्र को जानते हो, इनका अर्थ कोई समझ ना सके। बच्चों को बाप ने समझाया है, बच्चे समझ गए हैं, हमको तो यह अलंकार शोभते नहीं, हम अभी शिक्षा पा रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, फिर ऐसे बन जाएंगे। स्वदर्शन चक्र फिराते फिराते हम देवता बन जाएंगे। स्वदर्शन चक्र अर्थात रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानना। सारी दुनिया में कोई भी यह समझा नहीं सकते कि यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। बाप कितना सहज कर समझाते हैं कि इस चक्र की आयु इतनी बड़ी तो हो ही नहीं सकती। मनुष्य सृष्टि का ही समाचार सुनाया जाता है कितने मनुष्य हैं, ऐसे थोड़े ही बताया जाता है कि कछुए कितने हैं, मछलियां आदि कितनी हैं,
मनुष्यों की ही बात है, तुमसे ही प्रश्न पूछते हैं। बाप सब कुछ बतलाते रहते हैं, सिर्फ उस पर पूरा ध्यान देना है। बाबा ने समझाया है, योग बल से तुम सृष्टि को पावन बनाते हो, तो क्या योग बल से खाना शुद्ध नहीं हो सकता है? अच्छा, तुम तो ऐसे बने हो, फिर कोई को आप समान बनाते हो। अभी तुम बच्चे समझते हो कि बाप आया है स्वर्ग की बादशाही फिर से देने, तो इनको रिफ्यूज नहीं करना है। विश्व की बादशाही रिफ्यूज की तो खत्म, फिर रिफ्यूज किचड़े के डिब्बे में जाकर पड़ेंगे। यह सारी दुनिया है किचड़ा, तो इनको रिफ्यूज ही कहेंगे। दुनिया का हाल देखो क्या है, तुम तो जानते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं। यह किसको पता नहीं है कि सत्यों में एक ही राज्य था, मानेंगे नहीं। अपना घमंड रहता है तो फिर जरा भी नहीं सुनते, कह देते यह सब आपकी कल्पना है, कल्पना से ही यह शरीर आदि बना हुआ है, अर्थ कुछ नहीं समझते। बस यह ईश्वर की कल्पना है, ईश्वर जो चाहे सो बनते हैं, उनका यह खेल है, ऐसी बातें करते हैं। बात मत पूछो, अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है। बुढ़िया भी कहती हैं, बाबा हर 5000 वर्ष के बाद हम आपसे स्वर्ग का वर्षा लेते हैं, हम अभी आए हैं स्वर्ग की राजाई लेने। तुम जानते हो कि सभी एक्टर्स का अपना पार्ट है, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से, तुम फिर इसी ही नाम रूप में आकर इसी समय बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करेंगे। कितनी अथाह कमाई है। भल बाबा कहते थोड़ा भी सुना है तो स्वर्ग में आ जाएंगे, परंतु हर एक मनुष्य पुरुषार्थ तो ऊंच बनने का ही करते हैं ना, तो पुरुषार्थ है फर्स्ट। अच्छा, मीठे मीठे सिखिले दे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, जैसे बाबा बच्चों की सेवा करते हैं कोई अहंकार नहीं, ऐसे फॉलो करना है। बाप की श्रीमत पर चलकर विश्व की बादशाही लेनी है, रिफ्यूज नहीं करनी है। दूसरा, बापों का बाप पतियों का पति जो सबसे ऊंच है विलवेड है उस पर जीते जी न्यौछावर जाना है, ज्ञान चिता पर बैठना है। कभी भूले चूके भी बाप को भूल उल्टा काम नहीं करना है। वरदान, मास्टर ज्ञान सागर बन ज्ञान की गहराई में जाने वाले अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न भव। जो बच्चे ज्ञान की गहराई में जाते हैं वे अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न बनते हैं। एक है ज्ञान सुनना और सुनाना, दूसरा है अनुभवी मूर्त बनना। अनुभवी सदा अविनाशी और निर्विघ्न रहते हैं, उन्हें कोई भी हिला नहीं सकता। अनुभवी के आगे माया की कोई भी कोशिश सफल नहीं होती। अनुभवी कभी धोखा नहीं खा सकते, इसलिए अनुभवों को बढ़ाते हुए हर गुण के अनुभवी मूर्त बनो। मनन शक्ति द्वारा शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो। स्लोगन, फरिश्ता वह है जो देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारा है। ओम शांति। तेरा एहसान यो बाबा कभी ना भूल पाएंगे। दिया है दान जीवन का भला क्यों भूल पाएंगे।